सब्सक्राइब कीजिए इंदुजी के रेमेडीज चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए रेगुलर लाइव रेमेडीज के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी देने वाली हूं। हाँ जी, आपके किचन में रखे हुए बर्तनों के बारे में, स्पेशली जो रोटी बनाने वाला तवा होता है, डोसे का तवा, अप्पम का भी एक तवा होता है, राइट, और कढ़ाई, और इसके साथ साथ कुकर के बारे में भी आपको बताऊंगी। काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता है कि इन छोटी बातों से भी जीवन में बहुत ज़्यादा फर्क आता है। अगर आपके घर में किसी को नशे की लत है, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, वो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, बुरी संगत में पड़ रहे हैं, आपके हस्बैंड या घर का कोई भी मेंबर बिना वजह चिड़चिड़ा रहता है, गुस्सा करता है, घर में पैसे तो आ जाते हैं लेकिन बिना वजह के खर्च हो जाते हैं, या तो हेल्थ में चले जाते हैं या कहीं पे किसी झगड़े में वो पैसे खर्च हो जाते हैं, मतलब जहाँ पे उसका आपको कुछ एडवांटेज नहीं है, आप उस पैसे को इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, पैसे आ रहे हैं लेकिन वो बेवजह कहीं और ही डायरेक्शन में आपके पैसे खर्च हो रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसी कोई भी आपके घर में समस्या है तो सबसे पहले आपको किचन में गौर करने की ज़रूरत है। हाँ, किचन में रखे हुए जो ये बर्तन होते हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तवा हो गया या ये कढ़ाई हो गई, ये सब जो चीज़ें हो गई ना, ये राहु को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आपका जो गैस का चूल्हा है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो हर चीज़ किसी ना किसी से लिंक होती है यहाँ पे। अगर आपको घर में बहुत ज़्यादा घुटन होती है, आपको लगता है कि घर में बैठने का बिल्कुल ही मन नहीं करता, तो लेकिन कई बार होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या वाइफ का है, उनको घर में नहीं अच्छा लगता, वो रिलेशनशिप से खुश नहीं है, तो वो बाहर जा रहे हैं। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो वो कहीं ना कहीं आपके प्रेशर कुकर से भी रिलेट करता है। हालांकि प्रेशर कुकर आपके हेल्थ से भी रिलेट करता है, ये मैंने पिछली बार भी बताया था, गैस की एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ये इससे भी रिलेट करता है। ठीक है, और ये मेरी स्टडी है और मैंने इस पर बहुत ज़्यादा गौर किया है और उसके बाद ही एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको ये बात शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये चीज़ पे गौर करना है कि जो आपका घर में जो तवा है वो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, चाहे वो डोसे का हो, चाहे वो रोटी का हो, चाहे वो अप्पम का हो, एकदम वो क्लीन होना चाहिए। आपको उसको खुरच के साफ़ नहीं करना है। ठीक है, छुरी से कई बार हम ऐसे निकाल देते हैं ना, ऊपर परत आ जाती है, चिपक गई रोटी या डोसा चिपक गया, तो जो जो से खुरचते हैं उसको। उसके बाद आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप रोटी पकाते हैं या डोसा पकाते हैं तो क्या करते हैं कि तवे को वहीं पे छोड़ देते हैं गैस पे, कि चलो ठंडा हो जाएगा बाद में इसको हटा देंगे। नहीं, ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। जैसे आपकी रोटी पक जाती है या डोसा पक जाता है, इमीजिएटली उस तवे को आप राइट साइड पे, अपने राइट साइड पे रखेंगे, जो चूल्हे का जो राइट साइड होता है ना, जो आपकी गैस है उसके राइट साइड पे आप उसको रख देंगे, क्योंकि वो ऐसा माना जाता है कि जो अन्नपूर्णा माता का जो डायरेक्शन है वो आपके चूल्हे के राइट साइड पे होता है। यहाँ तक कि जब भी आपका खाना बन जाता है तो बनने के बाद जब आप उसको खाली करके किसी और कंटेनर में या डिश में निकालते तो वो भी आपको राइट साइड पे ही रखना चाहिए, लेफ्ट साइड पे कभी भी आपको नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होगा, जब आप राइट साइड पे रखेंगे तो आपके घर में बरकत बहुत जल्दी होने लग जाएगी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इमीडिएट आपको उसको सिंक में नहीं डालना है। सपोज़ आपने रोटी पका ली तो कई बार क्या करते हैं कि चलो मेड़ चली जाएगी, अरे चली नहीं जाए, मैं फटाफट धोने के लिए दे दूं। नहीं, ये गलती आप नहीं कीजिएगा। जो आपकी हेल्पर है अवॉइड कीजिए कि आप उसको दें, लेकिन अब आपके घर में अगर सपोज आपका पूरा काम हेल्पर्स के बलबूते पे ही चलता है तो ऐसे में आप उनको ये बोल के रखें कि इमीडिएट तवे को नहीं धोना है, उसको पूरी तरह से ठंडा होने दें और उसके बाद ही आप उसको पानी के नीचे धोने के लिए डाल दें, और जूठे बर्तनों के साथ तो बिल्कुल भी उसको धोने के लिए नहीं डालें, उसको साइड में आप रख दें और उसके बाद लास्ट में जब सारे बर्तन हो जाएं या पहले ही जब आपको लगे तो उसको धो के पहले उसको अलग कर दें।
और हमेशा ये बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आपका तवा है, कढ़ाई है, वो छुपी हुई होनी चाहिए। अगर बाहर वाला व्यक्ति बाय चांस आपके किचन में आता है तो उसको वो सामने तवा या कढ़ाई आपकी दिखाई नहीं देनी चाहिए। इससे आपके घर में अनवांटेड एक्सपेंसेस होने लग जाएंगे, बिना वजह के खर्च होने लग जाएंगे, ठीक है। और जो जेंट्स होते हैं वो भी मतलब आउट ट्रैक पे चले जाते हैं, गलत लाइन पे चले जाते हैं। तो कोशिश करें कि आपके घर का तवा और कढ़ाई हमेशा छुपी हुई रहे। जब तक काम चल रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे आपका काम हो जाता है, वो धोखे हो जाता है, तो आपको उसको छुपा के रखना है, कहीं पे भी ड्रॉर में या कहीं पे भी रख दें, लेकिन भूल के भी आप उसको गैस के नीचे नहीं रखें। ओके, तवे को उल्टा करके नहीं रखना, तवे को आप हमेशा सीधा करके रखेंगे और कढ़ाई को भी आप ऐसे ही रखेंगे। जब भी आप ड्रॉर में रखते हैं तो वो सीधा होना चाहिए, बड़ी कढ़ाई फिर छोटी कढ़ाई फिर छोटी कढ़ाई ऐसे डाल के आप रख दें, लेकिन उल्टा भूल चुक करके भी नहीं रखें। अच्छा, गैस के पीछे भी कई लोग क्या करते हैं, तवे को खड़ा कर देते हैं, वो भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बिल्कुल आप ना करें, आपकी सेहत पे भी फ़र्क पड़ेगा, बिना वजह घर में झगड़े होने लग जाएंगे। गरम जब है तो इमीडिएट उसको सिंक में नहीं डालना है, उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें और उसके बाद आप उसको डालें। क्योंकि क्या होता है, इमीडिएट जब गरम है और जैसे आप उसको सिंक में डालते हैं तो नल का पानी जब उस पर गिरता है तो एकदम से धुआँ निकलता है और आवाज़ आती है, ये सबसे बड़ा अशुभ होता है। आपको ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपके घर का कुकर है, ठीक है, उसको आप बहुत अच्छे से हमेशा साफ़ करें, क्लीन करें, उसका रबड़ अलग से निकाल दें, सीटी अलग से निकाल दें, उसको अच्छे से क्लीन करें। वैसे तो अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप फिर भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुकर आपका एकदम क्लीन होना चाहिए। कोशिश करें कि आप कुकर का जो स्थान है या तो पश्चिम दिशा पे हो या तो दक्षिण दिशा पे हो। अगर नहीं है ऑप्शन तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको वहाँ पे जगह मिल जाती है तो वो सबसे बेस्ट होगा। या तो साउथ की डायरेक्शन में आप रखें या तो उसको वेस्ट की डायरेक्शन में रखें। नमक और नींबू और ईंट जो होती है ना ब्रिक, उसकी मिट्टी ले लें, ये तीनों को मिक्स करके तवे को आपको साफ़ करना है, या लोहे के जो भी आपके बर्तन है घर में ले लेंगे, उससे हफ्ते में एक बार आप ज़रूर सफाई करा लें। कई लोग तो आजकल क्या करते हैं, नॉनस्टिक का भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो मैं इसके खिलाफ हूँ कि नॉनस्टिक अवॉइड करना चाहिए, लेकिन कई बार कई चीज़ों में नॉनस्टिक यूज़ करना पड़ता है, तो ऐसी चीज़ में आपको उसको घसने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा हल्का सा आपको नींबू लेना है और नमक लेना है और हल्के से बस रब करके उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दे और उसके बाद उसको वॉश आउट कर ले, उसमें उसको घिसना नहीं है, नहीं तो आपका जो नॉनस्टिक का जो लेयर है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। कि रात को जब आप सोते हैं तो जूठे बर्तन बिल्कुल भी आपके सिंक में नहीं हो। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है, आपके यहाँ मेड नहीं आती है या आप ही को करने हैं, या कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती कि आपको रात को नहीं बर्तन को साफ कर पा रहे, तो ऐसे में एटलीस्ट इतना करें कि जो भी जूठा आपकी प्लेट में है उसको प्लेट से पूरा साफ कर लें, उसको डस्टबिन में डाल दें, क्लियर कर दें और पानी से एटलीस्ट निकाल के उसको साइड में रख दीजिएगा। गैस को भी आपको जितना हो सके क्लीन रखना है, क्योंकि वो मंगल से रिलेट करता है और कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी घर में झगड़े होते हैं, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी फ़र्क पड़ता है उससे, ठीक है। तो गैस हमेशा आपकी क्लीन होनी चाहिए। जो नॉब्स होते हैं, देखिए कई बार उसके साइड में भी देखिए डस्ट जो होता है या थोड़ा सा कचरा उसमें फंस जाता है, तो क्लीन करते रहें। रात को सोने से पहले कितना भी हो कोशिश करें कि गैस एटलीस्ट आप क्लीन करके सोएं, इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और मेन बात जो अब आपको मैं बताने वाली हूँ, बहुत बार लेडीज़ क्या करती है, किचन में जब काम करती है या मेड्स जो आपकी हेल्पर्स होती है काम करती है, वो क्या करती है, बर्तन जब लगाती हैं, या आप कभी बर्तन लगाते हो, शायद कुछ नहीं भी करते होंगे लेकिन जो करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, बर्तन जब लगाते हैं तो उसकी आवाज़ बहुत आती है, या बर्तन धो के जब डालते हैं तो बहुत ज़ोर ज़ोर से ऐसे बतंग जैसे पटक रहे हैं, पटकने की आवाज़ आती नहीं, उसको आराम से आप धोएं, आराम से आप रखें, बिना वजह के इसमें घर में झगड़े होते हैं, बिना वजह के इल्ज़ाम लगते हैं, नाम आपका ख़राब होता है। तो ये नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि वॉइस है वो हमारे जब कान में जाती तो वो नेगेटिव वाइब्स देती है, तो उसका लॉजिक होता है, ठीक है। तो जब भी बर्तन धोते हैं या लगाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ज़्यादा आवाज़ ना करें। और एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किचन में चाकू, छुरी, कैंची देखिए स्टैंड में रखते हैं, राइट, तो वो स्टैंड में कभी भी आपको सीधा नहीं रखना, यानी कि जो धार का हिस्सा है वो ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए, वो नीचे की तरफ होना चाहिए, उल्टी तरफ। अगर आप ऊपर की तरफ रखते हैं तो बिना वजह इसमें घर में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं और कभी भी रिलेशनशिप में हमेशा मनमुटाव लगा ही रहता है,
तो कोशिश करें कि छुरियाँ और जो कैंची है उसको आप कभी भी ऊपर की तरफ फेसिंग नहीं रखें, आप उसको नीचे की तरफ पॉइंटेड रखें। और सबसे बेस्ट होता है कि आप उसको ड्रॉर में रखें। तो जो फोक होता है वो भी कई बार देखिए खड़ा रखते नहीं, उसको भी आपको उल्टा रखना है क्योंकि वो उसमें पॉइंट्स होते हैं, तो उसका हिस्सा भी ऊपर नहीं हो। स्पून्स को आप रख सकते हैं सीधा ऊपर, लेकिन फोक, छुरी और कैंची, ये चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। किचन में आपको ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी किचन में आपके टूटे फूटे बर्तन नहीं हो। यहाँ तक कि तवे का देखिए कई बार वो हैंडल टूट जाता है, नहीं, या तो आप इमिजिएटली उसको बनवा दें, अगर नहीं बन रहा है तो आप उसको निकाल दें। बिना वजह आपको स्टोरेज नहीं करना है। बहुत सारे अनवांटेड आप बर्तन स्टोर करके रख देते हैं, आपको पता है कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए ये बर्तन को आज तक इस्तेमाल नहीं किया है, तो कोशिश करें कि आप इसको किसी को दान दे दें या तो इसको सेल आउट कर दें। लेकिन बिना वजह का क्लटर आप नहीं करें। जितना मिनिमाइज़ करके आप किचन को रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा, जो ज़रूरत की चीज़ें उतनी ही आप रखें। और अब सबसे अहम बात जो मैं बताने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने ये देखा है कि जो पुराने ज़माने के लोग हैं या जो गांव में होता है, ज़्यादातर मैंने वहाँ पे ये चीज़ नोट की है, क्या करते हैं कि जिस प्लेट में खाना खाते हैं उसी में वो हाथ धो लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, ये बहुत बड़ा डिसरिस्पेक्ट होता है। फिर आपको लगता है कि पता नहीं क्यों इतने घर में झगड़े हो रहे हैं, क्यों बिना वजह क्लेश हो रहा है, क्यों अनबन हो रही है, कोई क्यों मान सम्मान नहीं दे रहा है, कोई क्यों बात नहीं सुन रहा है, क्यों कर्ज़े की प्रॉब्लम आ रही है, अनवांटेड एक्सपेंसेस हो रहे हैं, क्योंकि आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर हाँ कोई हेल्थ के इश्यूज़ हैं, कोई घर में बुज़ुर्ग है वो नहीं उठ सकते, उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम्स है, तो आप अलग से बर्तन एक दे दे जिसमें कि वो हाथ उनको धुला दे। और उसके साथ साथ आपको इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि खाना तो आप बिल्कुल ही नहीं बचाएं। वैसे तो सब लोग कोशिश करते हैं कि खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करें, लेकिन कुछ लोगों को मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जब वो होटल में भी खाते हैं ना तो उसमें भी तो बचा लेते हैं, तो खाना उनको नहीं अच्छा लगता तो वो वेस्ट कर देते हैं। आपको ये पता है कि आप अपने हिस्से का खाना उतना वेस्ट कर रहे हैं। भगवान ने हर एक के खाते में एक अमाउंट खाने का लिखा हुआ है, आपको इतना ही खाना मिलेगा। अगर आपने वो प्लेट में ले लिया और आपने उसमें से बचा लिया तो आज नहीं तो कल आपको उसकी दिक्कत आएगी। मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं, भगवान नहीं करे ऐसे किसी के साथ हो कि एंड में वो खाना भी नहीं खा पाते या उनको ऐसी कोई दिक्कत आती कि उनको खाना खाने में प्रॉब्लम होती है। आप ना करें, आपको जितना अच्छा लगता है आप उतना ही लें, आप साइड में रखें। बच्चों को भी यही संस्कार दें। और होटल में तो खास तौर पर ऐसा लगता है कि पैसे तो पूरे भर दिए, पैसे तो जाने, लेकिन नहीं अच्छा लग रहा है, चलो टेस्ट करके देखा तो खाना वेस्ट गया। नहीं, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। भले वो साइड में कंटेनर में वो छोड़ दिया, ठीक है, या तो पार्सल करा दो किसी गरीब को आप दे। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन है, वहाँ पे आप ज़रूर से प्रेस कर लें। उसके पास में एक बेल बटन है, उसको भी अगर आप प्रेस करते हैं तो उससे क्या होगा, जब भी मैं आगे वीडियोज़ डालूंगी तो उसके बारे में आपको पता लगने लग जाएगा। अगर मैं लाइव भी आने वाली हूँ ना तो इमीजिएट आपको मैसेज आ जाएगा कि मैं अभी लाइव हूँ, तो आप मुझसे डायरेक्टली सवाल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।